काश यार मेरी अम्मा भी बकरी जैसी कूल होती। अल्लाह ना करे, अगर मेरी अम्मा ऐसी होती ना मैं शर्म से मरी जाना करती। बकरी स्कैंडल रोज बरोज गरमाइश पकड़ता जा रहा है। एक बैरूपिया, एक सोशल वर्कर, एक गमजदा माँ या महज एक फंकार। है मुझे गुस्सा, लोगों को दिखाई खूब देती हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। पहले आप बॉयज का सेक्शन तो पूरा करें, गर्ल्स का सेक्शन हम बाद में देख लेंगे। गर्ल्स का सेक्शन भी बढ़ेगा और नया स्कूल भी बनेगा, मुझ पे तो भरोसा है ना। यस मैम। गुड। और जो मैं कर रही हूँ काफी नहीं है? नहीं है और नहीं है भाई, यहाँ पे सेंसेशन बिकती है। ये लोगों को ना मसाला चाहिए था, मसाला समझ आई है? थोड़ा सेक्सी। तो अपने ससुराल वालों को जानती है ना, उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि अपनी मीमी को छोड़ के उन लोगों के साथ चला जाए। ये सब तो खत्म हो गया था। नहीं खत्म हुआ ना, गिरा दो पर्दे, तोड़ दो जंजीरें और उठाओ आवाज और फिर देखो कि तुम सब के साथ क्या हो रहा है। ज़िबा करेंगे आप मुझे मीना की तरह। जो जड़ है इन जुल्म की इब्तिदाई का, क्यों करते ने कमरों में बंदों ने, सब जानते मैं किन से मुखातिब, यहाँ फिर बातें नहीं आनी पसंद ने, तलख लेजे के प्याले में खीर दिया, फिर जुर्रत पे उतार जमीर दिया, अकेली थी कलम ने भीड़ दिया, मेरे माशरे के सिस्टम को फिर छीर दिया, क्यों भागी नहीं मैं जा खसम न खा। ये औरत काफी अकेली ही माशरे से लड़ेगी, कोई छेड़े करो दर गुजर चुप करो, हुआ रैप बेटा बात यहाँ गुप्त करो, बेटा पढ़ो नहीं हालत यहाँ क्या ही खबर, बहुत हुआ इन बातों से मुझे मुक्त करो।